राहुल गांधी ने अभी जो है पीएम सर को कहा था कि वो मुकेश अंबानी के चौकीदार हैं। मुझे लगता है कि पहली चीज तो उन्हें संस्कार सीखना चाहिए देश में, और वो संस्कार से बाहर चले गए हैं जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं। और पहली चीज तो वो दादा की कब्र पर क्यों नहीं जाते हैं अपने, ये बात बताएं सबको, देश की जनता को बताएं, और वो किस समाज से आते हैं ये बताएं देश की जनता को। मैं बार बार ये सवाल करूंगा कि वो अपने आप को जो ब्राह्मण का चोला ओढ़कर घूम रहे हैं और पारसी होते हुए वो ब्राह्मण का चोला ओढ़कर घूम रहे हैं, तो इसका मतलब है देश की जनता ही नहीं, देश के एक एक आदमी को गुमराह करने का काम वो करते चले आ रहे हैं, और उससे पहले उनके और नेताओं ने भी गुमराह किया है। और उन्हें पहले ये साबित करना चाहिए, देश की जनता को बताना चाहिए कि वो राहुल जहांगीर गांधी हैं, वो राहुल गांधी नहीं हैं, क्योंकि वो फिरोज गांधी के पोते हैं। फिरोज जहांगीर गांधी एक पारसी समाज से आते थे, इलाहाबाद में उनकी कब्र है, और ये लोग हजार बार वहां जाते हैं, कभी अपने दादाजी की कब्र पर क्यों नहीं जाते हैं, ये भी सवाल मैं करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। अभी आप मुलायम जी पे बहुत बरसे थे, उन्हीं के ही भाई हैं शिवपाल यादव जी, और आपकी गवर्नमेंट उनको जेट प्लस सुरक्षा और मायावती का पूर्व बंगला सब दे चुकी है। मुझे लगता है कि जब विचार भिन्न हो जाते हैं तो मुझे, अगर समाजवादी पार्टी के विचार उनके पास होते तो वहीं रहते। समाजवादी पार्टी की बुनियाद चूंकि आम इंसान के खून पर रखी है, कार सेवकों की हत्या उनकी सरकार के दौरान हुई जब माननीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, और वही सब कंट्रोल कर रहे थे उत्तर प्रदेश को, और तमाम कार सेवकों की निहत्ते कार सेवकों की हत्या हुई और वहां पर इनोसेंट कार सेवक मारे गए, उसके बाद स्थापना की गई है समाजवादी पार्टी की। तो ये तो अपने आप में बहुत ही घिनौनी बात है कि किसी पार्टी की बुनियाद जनता के खून पर रखी हो, कार सेवकों के खून पर रखी हो, तो उस पार्टी में लोकतंत्र कहाँ होगा, वो विकास की बात क्या सोचेगी, वो पार्टी की सोच ही विनाश की होगी। आप बताइए, गौर से सोचिए कि कांग्रेस ने आपको कहाँ पहुंचाकर खड़ा किया देश में, सिवाय लड़ाने के सिवा। हमें मदरसे दे दिए, मदरसे दे दिए, अच्छी बात है, चलिए कोई बुरी बात नहीं है, हम भी मदरसों को आधुनिक करने जा रहे हैं, और हमने एनसीईआरटी की पढ़ाई भी लागू की मदरसे में। आपने क्यों नहीं की, क्योंकि आपको समाज को बांटना था, इसलिए मदरसे के अंदर आप धार्मिक शिक्षा के साथ साथ कुर्ता पैजामा वाला हमारा जो आपको बच्चा है वही अच्छा लग रहा था। भारतीय जनता पार्टी का झंडा है, ये भारतीय जनता का परचम है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का परचम है, ये हमारा झंडा है। अब इस झंडे में सबसे पहले अगर कोई कलर लगाया गया जो सबसे उपेक्षित था वो मुस्लिम वर्ग था, तो हरा कलर लगाया गया कि ताकि आप ये ना कहें कि हम सबका साथ सबका विकास नहीं करते हैं। इस झंडे में सबसे पहले हरा कलर लगा है, बाद में भगवा लगा है। आरो खबरेर अपडेट पेते सबस्क्राइब करूँ आमादेर यूट्यूब चैनल टी, आर बेल आइकने क्लिक करूँ नोटिफिकेशन्स पेते।